दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ यारओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के परिणाम सूचना से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका परिणाम कब तक आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। दोस्तों, तो देखिए, कल देर रात तक ऑब्जेक्शन फिल करने की डेट आपकी निकल चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन फिल भी किया है। जो लोग नहीं भी कर पाए हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर एक भी छात्र ने ऑब्जेक्शन फिल कर दिया है और अगर वो एनटीए द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो उसका फ़ायदा सभी छात्रों को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके परिणाम की घड़ी आ गई है, आपका रिजल्ट जो है बहुत ही जल्दी इसका आ जाएगा। और दोस्तों देखिए, इसकी संभावना पूरी पूरी है कि इस माह के अंत तक, मतलब जनवरी के आखिरी सप्ताह में आपको इसका परिणाम भी देखने को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए कोविड-19 के चलते थोड़ा डीले भी हुआ, तो ये परिणाम आपका फरवरी के प्रथम सप्ताह या 10 तारीख तक पूरी पूरी संभावना है कि आ जाएगा। और रही बात दोस्तों रिवाइज्ड आंसर की, तो रिवाइज्ड आंसर की आपके अंतिम परिणाम से कुछ दिन पहले आ जाएगी या आपकी साथ में भी आ सकती है। तो इसके लिए देखिए, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यही आपको सूचना देनी थी दोस्तों, कि आप लोग के लिए वो अच्छी घड़ी आ गई है कि आप परिणाम का प्रतीक्षा कर रहे थे। जो भी छात्र इसमें बैठे हुए थे, उन लोगों मेरी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएँ। और आप लोग केवल परिणाम का इंतजार मत करिए, अगली आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। Signing off.